आज कर्नाटक में कांग्रेस का जो एकदम प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीती है, उसके लिए हमने आज अजमेर में दरगाह शरीफ के सामने अजमेर जिला अध्यक्ष विभाग की ओर से मिठाई वितरण का प्रोग्राम रखा था। और नफरत हारी है और मोहब्बत जीती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी ने जो एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसका भी मेन उद्देश्य यही था कि पूरे देश में मोहब्बत जारी से भाईचारा और मोहब्बत बनी रहे। और उसी के उस सब चीज़ों पर कर्नाटक की जनता ने मोहर लगाई है और उन्होंने कर्नाटक की जनता ने बता दिया है कि हमारे इस भारत में जो संविधान की पूरी कदर की जाएगी और नफरत को हर जगह हराया जाएगा और आने वाले 2024 के इलेक्शन में भी प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। उसके साथ के साथ ही जो हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आने वाले 3 इलेक्शन हैं, उसमें भी हमारे को पूरा भरोसा और यकीन है कि कांग्रेस पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आज उसी खुशी में हम सब साथियों ने मिलकर ये जश्न मनाया है और दरगाह बाजार में मिठाई वितरित की है। मैं मोहम्मद महमूद खान, अजमेर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी। मेरे साथ नूर भाई देसवाली, राजस्थान प्रदेश देसवाली समाज के अध्यक्ष, हमारे मसूद दरगाह शरीफ के खादिम सैयद मसूद रोहिली साहब सैयद, और हमारे भाई जुनेद भाई हम, और उसी के साथ पूरे दरगाह शरीफ के माइनॉरिटी के मुख्य लोग थे, वो सब लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आज कर्नाटक के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, तो जीत की खुशी के अंदर हमने आज गरीब नवाज की बारगाह में कंदर पेश किए और गरीब नवाज से दुआ करते हैं कि ऐसे ही कांग्रेस पार्टी को विजय बनाती रहे और पूरे देश में अमन और चैन कायम रहे। आज आपके साथ मेरे साथ पूरे कांग्रेस पार्टी की टीम है और हमारे गद्दी नशी फकर काजमी साहब हैं, जिन्होंने हमारे को दरगाह शरीफ के अंदर सदर पेश करवाई, तो फूल पेश करवाए, गरीब नवाज की बारगाह में दुआ कराएंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप सामनानी, शहर जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव। ठीक है, आज कर्नाटक में जो कांग्रेस की विजय हुई है, उसके लिए हम यहाँ पर दरगाह पर अमन चैन के लिए चादर चढ़ाने आए हैं। और जिस प्रकार से पूरे देश में आकर का माहौल था, महंगाई से इनसे तरस थे, लोगों ने उसी बात का जवाब देते हुए कर्नाटक के चुनाव को जिताया और आगे भी ऐसे चुनाव को जिताएंगे। इससे ये सिद्ध हो गया कि लोग अमन चैन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हैं। और इसी बात का संदेश आज कर्नाटक ने दिया और इसी बात के लिए हम धन्यवाद करने आए हैं ख्वाजा साहब का चादर चढ़ाकर, और ये दुआ करने आए हैं कि पूरे देश में इस प्रकार से अमन चैन रहे और पूरे देश में लोग शांति से रहें, भाईचारे से रहें। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कुलदीप कोहली, विपक्ष नेता अजमेर।